वेलकम टू द लर्निंग होम। आज हम हिंदी में संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा, सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा दोहरा देते हैं। संज्ञा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आगे हम संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। तो दोस्तों, संज्ञा के तीन भेद होते हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की बात की जाती है। दूसरा होता है जातिवाचक, जिसमें एक तरीके से हम पूरे ग्रुप की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कॉमन नाउन्स भी कहते हैं, जैसे नेता। अब नेता एक तो नहीं है, बहुत सारे नेता हैं, इसलिए यह शब्द होता है जाति में। केला, अध्यापक, इसी तरीके से और भी अन्य शब्द जो एक ग्रुप के बारे में बताते हैं, वो जातिवाचक में काउंट किए जाते हैं। तीसरा हमारा है भाववाचक संज्ञा। भाव यानी कि किसी के मन की हालात, किसी की सुंदरता, दया करना, बुढ़ापा आदि, ये हमारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो इस प्रकार संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्ति मतलब किसी एक चीज के बारे में बात करना, जाति मतलब जिसमें हम ग्रुप की बात करते हैं, जैसे नेता, केला, अध्यापक, डॉक्टर, घर, पेड़, ये सब हमारे जाति में आ जाएंगे। भाव, जिसमें हम अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हैं भाव के आधार से, जैसे प्रसन्नता, सुंदरता, बुढ़ापा आदि। तो इसी प्रकार संज्ञा के भेदों को आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं।